दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल छोटे अपडेट में। आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको कि झारखंड सरकार द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से नॉन मैट्रिक, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 184 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप यहाँ पर देखें और ऑल झारखंड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा जिला नियोजनालय पाकुड़ में ये रखा गया है, जिसमें से विज्ञापन सूचनाएं निकाली गई है। भर्ती कैंप का माह देख सकते हैं कि मार्च माह में यहाँ रखा गया है। अगर डेट की बात करें तो 12/3/2022 को रखा गया है, जिसमें से 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रखा गया है। जिसमें से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह स्थान जो है जिला नियोजनालय पाकुड़ कार्यालय परिषद में राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजन कराने के उद्देश्य से श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा नियोजनालय पाकुड़ में यह रखा गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, फैकल्टी मैनेजमेंट PVT LTD द्वारा भर्ती कैंप का ये आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट के लिए रखा गया है। पहला अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है आपका पोस्ट सेक्रेटरी गार्ड का रखा गया है, जिसमें से 150 पोस्ट रखी गई है। 10th कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, ओनली फॉर 10th कैंडिडेट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 10th कैंडिडेट अगर आप हैं तो यहाँ ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैन अप्लाई, यानी कि सिर्फ 10th किए हैं, कोई एक्सपीरियंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 18 से 45 वर्ष कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 7,000 से 13,000 रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्रेटरी सुपरवाइज़र का रखा गया है, जिसमें से यहाँ पे 6 पोस्ट रखी गई है। ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है। 18 से 45 वर्ष कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वेतन की बात करें तो 8,000 से 15,000 रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तीसरा नंबर तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको हाउसकीपिंग का रखा गया है, जिसमें 12 पोस्ट रखी गई है। नॉन मैट्रिक कैंडिडेट, अगर आप मैट्रिक नहीं भी किए हैं तो चलेगा, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। 18 से 45 वर्ष कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 7,000 से 9,000 यहाँ पर आपके यहाँ पर वेतन रखी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें, मैं देख सकते हैं गनमैन का रखा गया है, जिसमें से यहाँ पे 6 पोस्ट की रखी गई है। 10th कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। लाइसेंस ऑल इंडिया रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 20 से 25 हज़ार यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कुक का रखा गया है, जिसमें 2 पोस्ट रखी गई है, जिसमें से 10th कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। 18 से 45 वर्ष कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 7,000 से 9,000 यहाँ पे दिया जाएगा। ऑफिस स्टाफ का रखा गया है, 4 पोस्ट रखी गई है। इंटर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 1 ईयर एक्सपीरियंस की यहाँ पे ज़रूरत है, देख पा रहे हैं। ये जो है आपका 20 से 45 वर्ष कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 7,500 से लेकर 12,500 तक यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, फील्ड ऑफिसर का रखा गया है, 4 पोस्ट रखी गई है। ग्रेजुएशन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बेसिक कंप्यूटर एंड 2 ईयर्स इन सेम फील्ड में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 24 से 45 वर्ष यहाँ पे रखा गया एज। और वेतन की बात करें तो 12 से 20 हज़ार रखी गई है। चलिए नेक्स्ट समझाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, भर्ती कैंप में भाग लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को झारखंड में किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। यदि पूर्व में निबंधित नहीं है तो ये अपने नज़दीकी जिला नियोजनालय में करा लें, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, अथवा इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे करा सकते हैं, पर निबंधित करा लें, ठीक है। भर्ती कैंप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से यहाँ पे देख पा रहे अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और यहाँ पे निबंधित कार्ड एवं पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के उपस्थित होना है आपको, जो कि हम आपको बता दिए हैं कि ये 12 तारीख को 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। स्थान की अगर बात करें तो ये आपका स्थान होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन कैसे आपको निबंधित कराना है, इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे जानकारी देंगे कि यहाँ पे बता देंगे कि ये जो है आपका इस वेबसाइट के थ्रू कैसे आपको ऑनलाइन अभी निबंधित कराना है, अभी आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है आपकी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर के आपको क्लिक करनी है। कहाँ पे? आपको क्रोम ब्राउज़र पे आपको क्लिक करके इस वेबसाइट को सर्च करनी है, ठीक है। सर्च करने के बाद इस तरह का पैनल खुल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं झारखंड रोज़गार का। तो इस पेज को आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। क्लिक करते ही एक इस तरह का पेज खुलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं,
यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है, देख पा रहे हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है आपकी ये थ्री डॉटेड्स जो यहाँ पे दी गई है इसको आपको यहाँ पे क्लिक करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका ये ऑप्शन है जो कि न्यू जॉब स्पीकर करके, इसके आपको क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करनी है, ठीक। सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है तो एक आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको वहाँ पे वेरीफाई करनी है। उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके सारी डिटेल्स आपको फुलफिल करने लेनी है। उसके बाद वहाँ पे आपका एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा इजीली ऑनलाइन, ठीक है। तो आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।